हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरमान हुआ और आज के इस वीडियो में मैं आपको सी शार्प और डॉट नेट का जो इंट्रोडक्शन है वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे विजुअल स्टूडियो खोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है विजुअल स्टूडियो 2015। अगर आपके लैपटॉप है 2017 तो उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो 2015। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं फाइल टैब में, उसके बाद यहाँ पे न्यू में जाते हैं, यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विजुअल स्टूडियो सेलेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर C++ का प्रोग्रामिंग करना है तो फिर वहां पे आप जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको C# प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन और पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए विंडोज एप्लीकेशन है, WPF है, कंसोल एप्लीकेशन है, ये सब सारा पार्ट है। तो सबसे बेसिक जो होता है कंसोल एप्लीकेशन, सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए विजुअल सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कंसोल एप्लीकेशन, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा विंडोज एप्लीकेशन, उसके बाद ASP.NET, ये सब पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड नेम है, तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं यहाँ पे इंट्रो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोकेशन अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सी यूजर जॉन यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे ब्राउज केयर करके आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन किसका नाम है इंट्रो। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये सब ठीक है, उसके बाद क्लिक करते हैं ओके पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए ये विंडो ओपन हो गया, ठीक है। तो ये सब पार्ट को यहाँ पे जो भी है ये सब पार्ट को नेम स्पेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोग्राम है। तो सबसे पहले ये सिंपल, इस प्रोग्राम को हम सिंपल बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ये सब नेम स्पेस का जरूरत नहीं है। अभी आगे की वीडियो में सबको जरूरत होगा, इसलिए अभी इसको जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए इस पार्ट को भी हम डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये नेम स्पेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटिक वॉइड में, अब यहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं मेन के अंदर लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल। अब ये कंसोल क्या हो गया, एक क्लास हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है, राइट करता है और रीड करता है। राइट मतलब आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी चीज को डिस्प्ले कराता है, और यहाँ पे क्या करता है, कोई भी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करता है, रीड करता है। तो ये देखिए राइट लाइन मेथड के बारे में सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट टेक्स्ट रिप्रेजेंट द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे है और डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दो पार्ट है, यहाँ पे राइट है और राइट लाइन है। राइट मतलब तो सेम लाइन में ही कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे राइट लाइन, तो यहाँ पे ये कोई भी चीज न्यू लाइन में जाके डिस्प्ले होगा। चलिए राइट लाइन पे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट करंट लाइन टर्मिनेट, तो करंट लाइन को टर्मिनेट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्ट तो ये देखिए क्या होगा। यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे कोई चीज रुका ही नहीं, तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे डिबग में जाइए, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल F5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल है, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये राइट लाइन मेथड जो भी डबल कोट के अंदर होता है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया नेम स्पेस सिस्टम। अब यहाँ पे अगर सिस्टम को हम यहाँ पे डबल स्लैश दे देते हैं, स्लैश देने की वजह से क्या होगा कि कंपाइलर्स को समझ नहीं पाएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैंने स्लैश दिया तो यहाँ पे देखिए एरर शो हो रहा है। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्यों एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं नो पे, तो यहाँ पे देखिए द नेम स्पेस डजंट एग्जिट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये नेम स्पेस यहाँ पे वो एग्जिट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कंसोल क्या है, कंसोल तो कंसोल एक सिस्टम डिफाइंड क्लास है जिसका डेफिनेशन सारा इस नेम स्पेस के अंदर लिखा गया है, लेकिन कंपाइलर इसको पहचान ही नहीं पा रहा है कि यहाँ पे है क्या, कहाँ पे है इसका। इसलिए यहाँ पे मैसेज मेरे को प्रिंट हो रहा है कि नेम स्पेस और कंसोल डजंट एग्जिट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कंसोल क्लास एग्जिट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए नेम स्पेस तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम सिस्टम लिखते हैं ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिस्टम सिस्टम डॉट। अब देखिए अब यहाँ पे एरर यह आउट हो गया क्योंकि सिस्टम एक नेम स्पेस है और इस नेम के अंदर इसका कंसोल जो है क्लास इसका डेफिनेशन लिखा गया है। अब देखिए हम कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल। तो नेम स्पेस एक्चुअली होता है क्या, नेम स्पेस देखिए कलेक्शन होता है, क्लास का कलेक्शन होता है, इंटरफेस का कलेक्शन होता है, डेडिकेट का। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए सिस्टम मैंने ये किया एस, तो यहाँ पे आ गया ये नेम स्पेस है। अब यहाँ पे हम डॉट जैसे डालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये डेलीगेट है ठीक है। तो नेम स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ डेलीगेट, कलेक्शन ऑफ। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्लास है एक्टिवेटर, उसी तरह से इनोमिनेटर होता है। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट कलर में है, तो इनम है, कलेक्शन ऑफ इनम का होता है ये सब होता है। और यहाँ पे ये भी देखिए डिफरेंट कलर में है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये सब जो भी है सिस्टम सिस्टम नेम स्पेस के अंदर ये सब जो भी पार्ट है सब आता है ठीक है। अब ये डेलीगेट है यहाँ पे। अब नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस भी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे ये मैसेज दे रहा कि ये नेम स्पेस है। तो नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस का भी और डेफिनेशन और कोड दिखा रहता है, जैसे सिस्टम के अंदर इस चीज का डेफिनेशन जो भी है और कोडिंग है ये लिखा गया है। अब देखिए नेम स्पेस यहाँ पे कंसोल आ गया, तो कंसोल क्या है, कंसोल एक क्लास है यहाँ पे सिस्टम डॉट कंसोल यहाँ पे लिखते हैं तो ये वर्क करता है। और दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये क्लास इनहेरिटेड नहीं हो सकता है। रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर, द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कंसोल एप्लीकेशन। तो नेम स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेम स्पेस भी होता है, कलेक्शन ऑफ क्लास इनम और डेलीगेट और भी बहुत चीज होता है जैसे इवेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर नेम स्पेस आप यहाँ पे दें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे देंगे तो ठीक रहेगा। तो नेम स्पेस जैसे सी प्रोग्राम में तो आप फैमिलियर ही है, तो सी प्रोग्राम में क्या होता है कि हेडर फाइल होता है, हेडर फाइल stdio.h colony.h। तो उसी तरह से यहाँ पे नेम स्पेस है, तो हेडर फाइल में बहुत सारा और जो भी मेथड होता है उसका डेफिनेशन वगैरह लिखा रहता है। उसी तरह से और नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस का डेफिनेशन, क्लास का डेफिनेशन, ये सब का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा रहता है। अब देखिए प्रोग्राम काफी सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारा नेम स्पेस तो मैंने हटा दिया, यहाँ पे मेथड ये सब का भी जरूरत नहीं, आगे की वीडियो में ये सब बताएंगे। अब देखिए ये प्रोग्राम में क्लास क्या है, और क्लास इसका नाम है क्या, प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे एक मेन और मेथड है ठीक है। अब कोई भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल मेन
मेथड पे आता है, उसके बाद ये अंदर जाता है। जैसे अब समझिए कि कैसे, मैंने तो बता दिया कि मेन मेथड पे कंट्रोल आता है, कैसे आता है तो यहाँ पे देखिए डिबग में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले कंट्रोल जो भी होता है मेन मेथड पे ही जाता है, उसके बाद ये अंदर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी स्टेटमेंट है मेथड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल आ गया, तो मेन मेथड एक एंट्री और पॉइंट है। अब देखिए हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो सेम मेथड हो गया, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, प्रोग्राम हैज मोर देन वन एंट्री पॉइंट डिफाइंड कंपाइलर विद मेन स्पेसिफाइड कंटेन एंट्री। यहाँ पे दो दो एंट्री पॉइंट हो गया जो कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर हैज मोर देन वन एंट्री पॉइंट डिफाइंड, तो यहाँ पे दो एंट्री पॉइंट हो गया इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो किसी भी प्रोग्राम में, कंसोल एप्लीकेशन प्रोग्राम में मेन मेथड एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर दो दे दिए तो यहाँ पे डायरेक्ट एरर आएगा। तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं और मेन एस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एरर यहाँ से आउट है ना, बाद में बताएंगे। यहाँ पे बताने का और लिखने का ये मतलब था कि किसी भी ऐसा प्रोग्राम जो भी है तो वहां पे मेन जो भी होता है एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। ये सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पब्लिक को, यहाँ पे इससे स्टैटिक के पहले यहाँ पब्लिक भी दे सकते हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट भी इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्रोल एफ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आउटपुट वही प्रिंट करेगा, वही जो आउटपुट था वही आएगा। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट भी देख सकते हैं, कंट्रोल एफ आई आउटपुट यही है। अगर कोई लिखता है कोई प्राइवेट पब्लिक तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बताऊंगा क्या होता है एक्सेस पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि नेम स्पेस होता क्या है, तो नेम स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ नेम स्पेस और क्लास और डेलीगेट और इनर, ये सब होता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि मेन एक एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ मेन पे आता है, उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जो भी स्टेटमेंट है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है और मेथड है तो उसको वो एग्जीक्यूट करना यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन सी शार्प प्रोग्राम का। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई डॉट है और कोई तरह क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, थैंक यू।